अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितो मन्नमानः दंगम्बमानः परिशन्तिमूरा अंधेन्नैव नियमाना यथान्धा अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितो मन्नमानः दंग्रम्बमानः परिशन्तिमुरा अंधेन्नैव नियमाना यथान्धा। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पापा जी ने बताए ये कर्तव्य हमारा ड्यूटी, हमारा जो ड्यूटीफुलनेस है, कर्तव्य बुद्धि से जो कुछ होता है क्रियाकर्म, ये भक्ति नहीं है। कर्तव्य बुद्धि से होने वाले जितना सारे क्रियाकर्म हैं ये कदापि भक्ति नहीं है, ये अलग चीज़ है। कर्तव्य बुद्धि या तो ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता, ये सारे मन की वृत्ति, आत्मा वृत्ति, आत्मा का वृत्ति ये सब नहीं है। अपना ड्यूटीफुलनेस, ग्रेटफुलनेस, ये सारे मन की वृत्ति है, ये आत्मा का कोई वृत्ति है ही नहीं। जड़ संसार में ये मोरालिटी है, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, जो कुछ भी है, ये कुछ भी आत्मा का वृत्ति नहीं है, आत्मधर्म नहीं है। कर्तव्य बुद्धि, क्रिया मन बुद्धि, अहंकार के ऊपर अधिष्ठित, और भक्ति के क्रिया जो कुछ है ये आत्मा को ऊपर प्रतिष्ठित है। आउट ऑफ प्योर लव, आउट ऑफ प्योर लव, जहां आउट ऑफ प्योर लव किया जाए ये अलग चीज है। प्रीति के मारे जो कुछ भी कर सकोगे तो ठीक है। ये जो चर्चा चल रहा था अभी, अर्जुन का जो स्थिति है अभी, भगवान धीरे धीरे तर्क उठा रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, और धीर व्यक्ति जो है, जो आत्म तत्व शरीर का जन्म नाश ये सारे तत्वों को जानते हैं, वो धीर है। और आत्मा अविनश्वर नित्यकाल स्थिति है आत्मा का, क्रिया का कर्ता दो किस्म का हो सकता है। एक है जन्म लेने का बाद रहना, और दूसरा है जन्म बोल के कुछ चीज नहीं है फिर भी है। अनात्म वस्तु जितना सारे है वो भी कुछ दिन तक रहता है जन्म लेने के बाद। जैसे काल चर्चा किया, मायावादी लोग कहते हैं कि संसार है ही नहीं, लेकिन महाप्रभु जी ने दिखाया कि संसार है, संसार है लेकिन अनित्य है, अनित्य है, कुछ दिन के लिए है, बाकी नित्य रहने वाले अनित्य है, नित्य नहीं है, कुछ समय तक रहता है। मायावादी लोग रज्जु में सर्प भ्रम, रस्सी लटक रहा है, रात के अंधेरा में थोड़ा छाया दिखाई पड़ा, वो लगा कि सर्प सांप है, लेकिन बाद में देखा जाए सांप नहीं है,
मायावादी लोग ऐसा करते, ऐसे कहते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव दर्शन में ये विचार आता है, जो आप तो रस्सी में सर्प भ्रम कर लिया, आपको सर्प भ्रम आया, सांप की गलत फहमी आया, लेकिन सर्प बोल के कोई चीज तो है ही है किसी जगह। अगर सांप बोल के कुछ चीज नहीं है ही नहीं, उसका एक्सपीरियंस भी आपके हृदय में नहीं है, तो उसका भ्रम कहाँ से आए? ये गौड़ीय वैष्णव समाज का विचार मायावादी लोगों का ऊपर छाती ठोक के कहते हैं। ठीक है, आप कहते हो कि रज्जू में सर्प भ्रम आता, रस्सी में सर्प भ्रम, लेकिन सर्प भ्रम जो है, लेकिन सर्प बोल के कोई चीज तो है ही है, उसका तो एग्जिस्टेंस जरूर है, और उसका भी एग्जिस्टेंस उसका अंदर है हृदय में, जो सर्प में है, रज्जू में सर्प भ्रम करना, ये तो जरूर है, उसका एक्सपीरियंस है, सांप बोल के ऐसा चीज है, काटता है, बीप जहरीली, ये तो है, ये तो कभी आप टाल नहीं सकते। तो मायावादी का जो विचार है सरासर गलत है, और सांख्य योग में प्राकृति पुरुष योग जो है, अभी विचार करके भगवान दिखा रहा है, कृष्ण दिखा रहा है अर्जुन को, देखो बात ये है कि पांच वे सांख्य योगों के अनुसार पंच कर्मेंद्रियो, पंच ज्ञानेन्द्रियो, पंच तन्मात्र, पंच भूत, खिति अपतेज मरुद्भूम, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है दस, पंच कर्मेंद्रियो, पंच ज्ञानेन्द्रियो, पांच पांच दस बीस, अन मन बुद्धि चित्त अहंकार, चौबीस तत्व, कभी कभी सताईस तत्व भी है, बहुत सारी चीज है। ये 24 तत्वों का बारे में जिसका पूरा जानकारी है, उसको माया में फंसाना बहुत मुश्किल है। वो जानकारी है पूरा, ये ऐसा ऐसा है, इसमें डरने वाला कुछ चीज है नहीं। और काल बचा रहा था, अविनाशी तु तद्विद्धि येनो सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, जो आत्मा है, आत्मा वस्तु है, यह आत्मा को नाश करना संभव न, अविनाशी, इसको नाश करना कभी भी संभव नहीं होता, संभव नहीं। शरीर जो है उसका नाश हो सकता है, क्योंकि उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और विनाश, ये सारे वस्तु इसका अंदर में है, छह वस्तु क्षण विकार। लेकिन आत्मवस्तु ये अविनाशी तु तद्विद्धि, याद रखना, ये आत्मवस्तु जो है ये अविनाशी, आ सर्वमिदम ततम, जैसे सूरज सुबह का समय सूरज उदय हो, सूरज उदय के साथ तमाम चीजें प्रकाशित हो पाता, तमाम। और ये जो आत्मा है, आत्मा वस्तु, आत्मा है, ये तमाम जड़ शरीर है, तो जड़ शरीर है, लेकिन जड़ शरीर का अंदर घुसकर ये आत्मा का ऐसा प्रभाव है, तमाम शरीरों में एक तो प्रभाव फैलाता है, अखिल देहो व्यापीता धर्म मूलक, हर वक्त ये सोचना कि आत्मवस्तु सूरज जैसा तमाम दुनिया को प्रकाश करते हैं, ये भी क्षुद्र है,
लेकिन ये इसका भी प्रकाश धर्म है। अब वेदांतों में जिसको बोला गया गुणात अलग बात, गुणों का विचार करे क्वालिटेटिवली, ये गुणात अलग बात, अलग कमा भी अलग जैसे रस प्रकाश प्रकाश करता है वस्तुओं को, ऐसा माफी ये सारे जगत को जैसे सूरज प्रकाश करता है, लेकिन ये शरीर जो है, है तो जड़ शरीर लेकिन आत्मा है, इसलिए शरीर का प्रकाश दिखाई पड़ता है, शरीर का प्रकाश दिखाई पड़ता। प्रकाश धर्म जरूर है, इसका प्रभाव प्रतिपत्ति आत्म वस्तु का इतना है, ये प्रकाश करने वाला है, सब प्रकाश कर देते शरीर का। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि लाक्षाविद रेजिन, रेजिन का अंदर कोई महामणि या तो महाऔषधि डाल के इसको सर में, सर के ऊपर और वक्षस्थल में धारण किया जाए, तो मणिमुक्ता का ये जो प्रभाव है, औषधि का जो प्रभाव है, सारा शरीर में फैलता है, सारा शरीर व्यापिया। एक मलयज चंदन जो है, मलयज चंदन का टीका लगा है, तो चंदन का जो शीतल भाव है तमाम शरीर को शीतल कर देता है। ऐसा करके आत्मवस्तु का विचार बताया, ऐसा करके आत्मवस्तु का विचार बताया भगवान। और अंतबंत इमे देहा नित्यशोक्त्या शरीरिणः अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अंतबंत इमे देहा मात्रा स्पर्श जैसे है, अंतबंत इमे देहा नित्यशोक्त्या उक्तः शरीरिणः अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। नित्य अविनाशी अपरिमेय आत्मा का ये शरीर पकड़ना इचिबोका कर्म पूर्व कर्मफल का अनुसार होते रहता है, लेकिन ये शरीर अनित्य है, लेकिन जो आत्मवस्तु है कभी अनित्य नहीं, अतः युद्ध करना ही उचित है। युद्ध विहित कर्म, युद्ध करना नहीं करना इस बीच में तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना ये भी तुम्हारा शास्त्र विहित कर्म, ये ना करना अधर्म है। अंतबंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासीन अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अप्रमेय जिसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता, इतना विचार है। अप्रमेयो अपरिमेय अंदाजा लगाना संभव नहीं है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अतिशय सूक्ष्म निबंधन, आत्मा इतना सूक्ष्म वस्तु है इसका, लेकिन इसका प्रभाव इतना गंभीर है। अतिशय सूक्ष्म सूक्ष्मत्व निबंधन विज्ञान और विज्ञातार स्वरूप हेतु, आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, इसका बारे में जानकारी लेना संभव नहीं है। आत्मा वारि द्रष्टव्य स्वतव्य निधिध्यसितव्य के ये सब बताया था। नायम आत्मा प्रवचन लोभ्यो न मेधया न बहु न स्यूते नो
जम एव ईश तेन लभ्यो है न तस्ष आत्मा विवृणत तनुषाम। ये सब उपनिषद का बातें हैं। अभी ज एनम व्यक्ति हंतारम जश्चैनम मन्नते हतम उभौ तौ न बीजानी तो नायम हंती न हन्नते। अज्ञान के खातिर कोई अगर मान लिया कि आत्मा मारा जाता है, आत्मा को हत्या किया जा सकता। ज एनम व्यक्ति हंतारम जश्चैनम मन्नते हतम, जो आत्मा का हत्याकारी सोचता है और आत्मा मारा जा सकता है ऐसा जो सोचे, उभौ तो ये दोनों में कोई भी न भी जानी तो आत्मा का गहरा विचार जानता ही नहीं। आत्मा वस्तु क्या है ये इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, ये लोग को जानकारी है नहीं, जानता नहीं, क्या करे। अस्तित्व में इसको हनन नहीं किया जा सकता। भगवान बोल रहे अर्जुन को, देखो इसको हम इसको मार डालेंगे आत्मा को, या तो आत्मा मारा जा सकता है ऐसा जो बुद्धि है, तो उभौ ये दोनों में कोई भी आत्मा का जो गुरु रहस्य है इसका बारे में उसका कोई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन अगर ये तर्क उठा सकता है, श्रुति में मां हिंसा सर्वभूतानि ऐसा जो है लिखा हुआ है, श्रुति में लिखा हुआ है शरीर का अभ्यंतर में आत्मा का अवस्थिति थाकाकालीन रहते समय जो क्रियादि प्रकाशित होता है शरीर में, वो सब शुद्ध चेतना चेतन जीवात्मा का नहीं है। ये तर्क हो सकता है कि शुद्ध महाराज चेतना तो है, अचेतना होने के कारण तो इतना सारा क्रियाक्रम चल रहा है सब, लेकिन इस शरीर का अंदर आत्मा का अवस्थिति के कारण जो क्रियादि बाह्य दृष्टि में देखा जाता है, ये शुद्ध चेतन जीवात्मा का नहीं है, क्योंकि शुद्ध चेतन जीवात्मा का काम एक ही है, भगवत सेवा करना, हर वक्त भगवान का अनुचिंतन करना, भगवान का अनुकीर्तन करना, यही काम है। सूक्ष्म शरीर होने के कारण पूर्व संस्कार के अनुसार किसी का अंदर में एकदम कदाकार स्वभाव प्रकट हो जाता है कभी कभी, और किसी का अंदर में पूर्व संस्कार स्वभाव के अनुसार अच्छा स्वभाव प्रकाशित हो पाता। तो जो ये सब चिंता करता है कि आत्मा मारा जाता है, आत्मा को मारा जा सकता है, ये सब सरासर गलत है, इसमें कोई विचार नहीं है उसमें। न जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत वयम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीर। न जायते अभी ये उठा रहा था सर, अस्थि रहना ये दो किस्म का हो सकता है, एक है जन्म लिया उसका बात रहना, और ऐसा कुछ वस्तु है जो जन्म ही लेता नहीं लेकिन नित्यकाल है, दोनों है, दोनों कंसेप्शन है, दोनों कंसेप्शन हो सकता है। ये आत्मा वस्तु ये है ऐसे जन्म लेने वाले, जन्म मरण नहीं है, और तमाम
ये संसार आदि जो कुछ भी है दिखाई पड़ता उसका तो नित्य स्थिति नहीं है। संसार मिथ्या नहीं है, संसार झूठा नहीं है, लेकिन संसार जो है अनित्य है, इसमें फांसना उचित नहीं है, अनित्य है। संसार झूठा नहीं है, संसार है लेकिन ये अनित्य है। सो न जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। ये आत्मा का कभी जन्म नहीं है, मरण तो नहीं है, जन्म भी नहीं है। आत्मा का जन्म नहीं है, जीवात्मा कभी भी जन्म ग्रहण करता नहीं, ये तो शरीर का जन्म है। जीवात्मा कभी भी नया जन्म नहीं लेते, मरता भी नहीं और पुनः पुनः इसका क्षण विकार जन्म अस्तित्व वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश ये सब कुछ नहीं, सर्वविकार रहित, सर्वविकार से रहित है। कभी भी उत्पन्न होना वृद्धि होना ये सब कुछ नहीं है, सो जन्म रहित है, सर्वता एक ही रूप नित्य, नित्य वस्तु अपक्षय शून्य रूपांतर चेंजेबल नहीं है। अर्थात पुरातन से भी पुरातन नित्यो नित्यानं भगवान का ये सब विचार बताया था उपनिषद से। सो पुरातन होने से भी ये नित्य नतून है, ये जो आत्मा है जीवात्मा ये नित्य नतून नवीन कभी पुरातन नहीं। शरीर विनाश होने से इसका विनाश नहीं हो पाता, शरीर का विनाश हो जाए फिर भी इसका विनाश नहीं है, कभी भी इसका विनाश करना सब, क्योंकि शरीर का साथ ये आत्मा का कोई स्वरूप संबंध नहीं है। स्वरूप संबंध मतलब वास्तव संबंध, ये आत्मा वस्तु का साथ आत्मा का साथ शरीर का कोई स्वरूप संबंध नहीं है। स्वरूप संबंध मतलब वास्तव संबंध नहीं है कभी भी। काल ये चर्चा हो रहा था कि हमने बोला ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये पांच भौतिक शरीर का अंदर आत्मा होने का कारण हम अभी काल भी ये चर्चा हुआ था कि ये जो आत्म वस्तु आत्मा है प्रकृति और पुरुष अनंत काल इन्फिनिटी काल एका संग रहने के कारण एक के प्रभाव दूसरे का ऊपर पड़ता है। आत्मवस्तु जब लड़का का शरीर लेके मेल शरीर लेके पैदा होता है और आत्मा जब फीमेल बॉडी आश्रय करके पैदा होता है, ये दोनों में किसी का जानकारी है नहीं कि ये दोनों में एक भी भोगने का चीज नहीं है, सरासर गलत है, ये प्रकृति है। जो अपने को पुरुष मानता है ये तो तात्कालिक परिचय है, अभी के लिए तुम पुरुष हो लेकिन काल मौत होने के बाद तुम्हारा जो हम पुरुष है जनानी नहीं है, ऐसा भाव नहीं हो सकता। दूसरा जन्म में लड़कियों के जन्म, सो लड़की का शरीर जनानी का शरीर मर्दाना का शरीर जो कुछ भी है ये तो है प्रकृति। दोनों का अंदर में जो आत्मा है ये इसका पुरुषाकार है, कर्ता अहम, इसलिए पुरुष बोला गया। लड़का का अंदर जो आत्मा है ये भी पुरुष, जनानी का अंदर में जो आत्मा है ये भी पुरुष भाव रखता, पुरुष भाव रखने वाला, एक दूसरे को भोग करे मतलब
सिर्फ इसमें एक ही चीज है, वो अहंकार अभिमान हम भोगने वाला। बीच में सारे मैजिक जैसा हो रहा है, ये प्रकृति प्रकृति आत्मा है दो शरीर में, ये सोचता है कि हम लड़का और उस लड़की और कुछ नहीं, बाप नहीं। आ दोनों में जो आपस में जो कदाकार प्रेम की प्रसंग है, ये प्रकृति भोगना अर्थात दोनों शरीर का अंदर जो पुरुष है ये एक दूसरे को भोगता, मैंने प्रकृति को भोगता, प्रकृति है ये जड़ वस्तु, ये जड़ वस्तु को भोग रहा है, ये एंजॉय कर रहा है, एंजॉय योर सेल्फ। लेकिन वो जानकारी है नहीं कि दोनों ही ए भी प्रकृति को भोग रहा है, ए भी भोगती प्रकृति अर्थात कृति अब तेज मरुद भोम, इससे बनाया हुआ पांच भौतिक दो दिन का जो शरीर है हैं इसको भोग रहा है। आ किसी को जानकारी है नहीं, माया में उलझ गए। ऐसा करके ये चर्चा हुआ था कि अनंत काल ये पुरुष और प्रकृति एक दूसरे का साथ होने के कारण एक का प्रभाव दूसरे का अंदर पड़ गया। प्रकृति यद्यपि अचेतन है जड़ वस्तु, फिर भी ये चेतन इसका साथ रहने के कारण ये लगता है कि ये इसका भी प्राण है, ये प्राण नहीं है, सिर्फ आत्मा वस्तु है, आत्मा है। पुरुष और प्रकृति का ऐसा गंभीर विचार धीरे से सोचने चाहिए। न जायते मृयते व कदाचित नायम भूत्वा भविता बान भूय अजो नित्य शाश्वतवयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीर। जब आत्मा कहीं जन्म नहीं लेता, वृद्धि नहीं है, मरना तो दूर की बात, कुछ नहीं है पुरातन। आइए शरीर का साथ जड़ शरीर पांच भौतिक शरीर जो है, प्रकृति का शरीर जो है, इसका साथ आत्मा का वास्तविक रूप में कोई स्वरूप संबंध नहीं है, मतलब नित्य कोई संबंध है नहीं, तात्कालिक संबंध जोड़ गया और कुछ नहीं। और जब ज्ञान को प्राप्त करे, सांख्य योग तत्व ज्ञान को प्राप्त करे, तो सारे इल्यूजन सब माया दिखाई पड़ेगा, साफा कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा इसमें, सारे सब दिखाई पड़ेगा। शाश्वत मतलब नित्य, शाश्वत का अर्थ है नित्य शब्द के द्वारा अपक्षय, इसका ये निवारण किया गया। शाश्वत नित्य सर्वदा अस्तित्व रहने वाले अनंत काल। न जायते मृयते बा, ये जो श्लोक है उपनिषद भी ऐसा, उस उपनिषद में भी कठोपनिषद में भी ऐसा ही श्लोक है, जैसे ये गीता में है, गीता में जैसे बताया ऐसा मापी कि एक श्लोक उपनिषद में भी है, ये न जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता बान भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्नत हन्न माने शरीर। ये जैसा है ऐसा कठोपनिषद में भी ऐसा ही है, न जायते मृयते व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्नते हन्न माने शरीर। शरीर नाश के साथ साथ इसका कोई ताल्लुका है नहीं। अतएव ए अर्जुन तुम अज्ञान का माफिक बात कर रहे हो, गुरुजन बधो का लिए तुम्हारा अंदर में बेचैनी है, उद्वेग है, ये अज्ञान के प्रभाव और कुछ नहीं, तुम सोचते हो कि ज्ञानी हो। वास्तविक रूप कठोपनिषद में और भी श्लोक जो हमने पहले बताया शुरुआत में,
अविद्यायाम अंतरे वर्तमान है तो अज्ञान का अंदर डूबा हुआ, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान है तो अज्ञान के अंदर डूबा हुआ, फिर भी स्वयं धीरा पंडित मनमान, खुद को मानता है कि मैं बड़ा पंडित हूं। धीर और पंडित बोल के अपने को महसूस करता है, अनुभव करता है। हम ये अनुभव पक्का नहीं मानता है, ये अनुभव तो अनुभव नहीं, मानता है अपने को पंडित और धीर। ये सब कुटिल स्वभाव वाले अज्ञ व्यक्तियों व्यक्तिगण ये दुर्गम रास्ते पे एक अंधा दूसरे अंधे के द्वारा परिचालित होके जैसे कुएं में गिरता है, या तो ऐसा जगह चला जाता है कि उसमें लौटना मुश्किल है। एक अंधा दूसरे दूसरा एक अंधो को राह दिखा के ले जा रहा है। अंधा यथान्धे रूपनीयमानम ते अपि शिष्यतन्तं मुरुदां निबाध्या। प्रह्लाद महाराज को पूछा गया, ये कौन सिखाया तेरे को ये सब चीज बता, ये सब तत्व ज्ञान जो है बता रहा है, कौन सिखाया, ये लोग सिखाया। बोले क्या कैसे सिखाया, ये लोग कहां से सिखाएगा, वो लोग खुद तो जानता ही नहीं, खुद को जानकारी नहीं है, कैसे मेरे को सिखाए। नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, अपना स्वार्थ के बारे में लोगों को जानकारी है ही नहीं। बोले नहीं महाराज, ये लोग तो सारथी है। बोला सारथी है, लेकिन ये जड़ शरीर के द्वारा जो स्वार्थ है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में लगा हुआ है। नौते विदु स्वार्थ गोतिम विष्णु दूरा सयाजे बहिरार्थमान अंध्या यथान्धैरुपनीयमान तेयोऽपि शिचतान्त मुरुदां निबाध्या। नौते विदु, ये लोग जानता ही नहीं। नौते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, अपना आत्मा का जो स्वार्थ है एकमात्र नित्य संबंध, ये विष्णु है। नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, ये जो जिस चीजों को स्वार्थ मानता है, अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट मनाता है, ये जर ये जो मेटेरियल शरीर जर शरीर जर मन के रिलेटिव, जर शरीर और मन के खातिर जो हिसाब बैठता है, ये सब करता है। ये वास्तविक जो स्वार्थ है ये लोग जानता नहीं, इसलिए प्रह्लाद महाराज ने कह दी नौते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, अपना जीवात्मा का जो स्वार्थ गति में विष्णु, विष्णु ही एकमात्र गति है, ये लोग इसको जानकारी है नहीं। क्यों जानकारी नहीं, पर दूरा साया जे बहिरार्थमान, दूरा साया इसका आशय जो है दुराशय है, दुष्ट आशय है, व्यासन में लगा हुआ है। दूरा सयाजे बहिरर्थमान, इसमें विचार आता है कि अंतर अर्थ क्या है और बहिरर्थ क्या है, ये विचार इधर आ रहा है। अपना जड़ शरीर और मन के खातिर, जड़ मन जड़ शरीर जड़ इंद्रियां जो चीज को हर वक्त मांगता है एज ए मूड ऑफ एंजॉयमेंट, मजा होगा, अच्छा खाए तो मजा है, अच्छा सुने तो मजा है, नाचने वाली नाचना दर्शन करने जाए तो ये मजा होगा, मजा होगी, ऐसा करके ये लोग का जो विचार है, जितना सारे जड़ इंद्रियां हैं, इंद्रिया का जो डिमांड है, ये पूर्ति करते 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 मरते दम तक करते चलो, कभी भी इसका पूर्ति नहीं होने वाला। पूर्ति कब हो, असंतुष्टि
बने रहेगा हर वक्त, क्योंकि इसका शांति बोल के कुछ चीज है ही नहीं। इस रास्ते पे, भोगों का रास्ते पे शांति बोल के कोई रास्ता है ही नहीं, कुछ चीज है ही नहीं, बस हर वक्त जलन है। जैसे आग में घृता होती, जैसे आग का अंदर घृता होती दिया जाए, आग का निर्वापन कदापि संभव नहीं, आग बढ़ते चले, ये सुनिश्चित। आग का अंदर घृता होती दिया जाए तो इसका जो अग्नि वृद्धि होते रहे, कदापि इसका निर्वापन संभव नहीं, क्योंकि ये कैसे हो। रेस्पेक्टिव जैसा सारे इंद्रिया, एक एक इंद्रियों का इंद्रियों का पूर्ति के लिए कुछ भी किया आज तक जन्म से, अभी तक किसी का पूर्ति महापूरण हुआ ही नहीं। आंखें का महापूरण, कानों का महापूरण, त्वचा का महापूरण, जीवा का महापूरण, कौन बोला किसी का महापूरण हुआ था? किसी का महापूरण आज तक हुआ क्या? हुआ ही नहीं, क्योंकि होना संभव नहीं। इसका उदाहरण दिया गया कि आग में जैसा घृता होती और कुछ नहीं, निर्वापन कभी संभव नहीं है। ऐसा उदाहरण देके चले तो पता चलेगा पूरा अंधा यथांधे रूपनियम, एक अंधा दूसरा अंधव को राह नहीं दिखा सकता, संभव नहीं। अंतर अर्थो जो है, जो आत्मा का तलाश में, अंतर अर्थों का मतलब ये है जो आत्मा का, आत्मा वस्तु का तलाश में बाहरी दर्शन छोड़ दिया। ऐसे तो देखता है रास्ता चलने में, खाने में, कि इसका अंदर में कोई अभिमान नहीं है, डुअरशिप भोगने वाला विचार दर्शन नहीं है। अंतर्दृष्टि, अंतर दशा, अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का मतलब गहरा दर्शन, सूक्ष्म दर्शन। बहिरर्थ मानी मतलब जितना सारी जीवात्मा है, बद्ध जीव है, सारे के सारे इन लोगों का बहिरार्थ दर्शन होता है। अंतर दर्शन वाले जो है, अंतर आत्मा वस्तु को दर्शन वाले जो है, वो धीरे धीरे अपना अंदर में खोजता है, तलाश में है आत्मा वस्तु का, और बाहरी दृष्टि वाले सो है बाहर में खोज में लगे हुए हैं। ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, क्यों? ये लोग अपना स्वार्थ जानता ही नहीं, क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। जो कुछ भी देखता है बाहरी दृष्टि से, जो कुछ भी विचार करता है बाहरी दृष्टि से, इसका अंतर्दृष्टि है ही नहीं। बहिर्थ माने बाहरी जगत में आनंद प्राप्त के लिए, मजा आनंद प्राप्त करने के लिए ये भटक रहा है बाहरी जगत में, और अंतर दर्शन करने वाले आत्म वस्तु का खोज में हर वक्त, उसका इनसाइड विजन, अंतर दर्शन हर वक्त आत्मदर्शन है। ए अविद्वयम अंतरे वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मंदमन, अविद्या का अंदर डूबे हुए हैं फिर भी अपने को धीर और पंडित ये समझ लिया कि हम पंडित हैं, हम धीर हैं। ये आइए सब कुटिल स्वभाव वाले दुर्गम रास्ते पे, दुर्गम रास्ता क्रिटिकल रास्ता है, इसमें एक अंधा जैसे दूसरे अंधे को राह दिखा रहे हैं, ऐसा दोनों ही
बड़ा मुसीबत में फंसने वाला है, फंस जाता है। ऐसे ही वर्तमान जगत में अंधा गुरु अंधा शिष्यों का परंपरा चल रहा है। ऐसे ही ये जगत में, जड़ जगत में अंधा गुरु अंधा चेला इसका परंपरा चला रहा है। पूरा दुनिया को अंधेरे में फेंकने का चक्कर में है। किसी जगह अगर ज्ञान का वास्तव चर्चा हो वहां मत जाना, वहां जाके क्या करे, निंदा हो रहा है उधर। हाँ, तुम्हारा निंदा हो रहा है। जब भी सच्चा शास्त्रों का विचार हो, ये पशु जैसा आदमी ये सब बोल रहा है, अरे निंदा हो रहा है, अरे निंदा तेरा बाप का हो रहा है क्या, निंदा किसका हो रहा है, निंदा हो रहा है, आलतू फालतू बोलो, चुटकी उड़ाओ, वो ठीक है, शास्त्रों का बातें करो, वही निंदा हो रहा है। किसने सिखाया उसको, उन जाने खुद जाने। ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया चारों ओर। ये सब चर्चा बंद हो जाए तो असुरों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। ये सब चर्चा बंद कर दो, नाचो कूदो खाओ पियो, बस पैसा लो, मजा उड़ा, ये सब मजा है। शास्त्रों का चर्चा हो, नहीं ना ना, उचित नहीं, ये सब बंद कर दो। वर्तमान यही अंधा गुरु का अंधा परंपरा, अंधा गुरु अंधा चेला का ये परंपरा आज पूरा विश्व में फैला हुआ है, पूरा विश्व में, तमाम विश्व में फैला हुआ है। जिसका तकदीर अच्छा वो जिए, जिसका तकदीर नसीब खराब है मरेगा। कहाँ तक चिल्लाते रहे कुत्ता का माफी, कहाँ तक जाएगा ये शब्द। तो ऐसा करके विचार बताया कि न जायते मृयते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता बा न भूय अजो नित्य। ये अजो है, इसका जन्म नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो, नित्य काल रहने वाले शाश्वतो अयम, अयम माने दिस पुराणो। और ये न हन्नते, हन्न माने शरीर, शरीर जाने से इसका नाश कदापि संभव नहीं। क्या आत्मवस्तु है, ऐसा करके विचार करके हमने दिखाए। तो सचमुच ये यद्यपि श्रुति में बोला गया मां हिंसा सर्वभूतानि, ये सब प्रभुपाद भी विचार करके दिखाया। ये आम आदमी सोचते हैं कि शरीर का फिजिकल असाल्ट यही हिंसा है, तमाम दुनिया का यही ख्याल है। द फिजिकल, ये जड़ शरीर का सेवा करना, जड़ शरीर का हिंसा करना, ये सब विचार इन लोगों का है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये जड़ शरीर मतलब ये खोला, ये छिलका है। प्रभुपाद कहते ये छिलका का सेवा में लगे हुए हैं, हिंसा भी हुआ तो छिलका का ऊपर हुआ, और आत्मा का ऊपर, ये तो हिंसा है ही है। ऐसा मतलब नहीं है कि प्रभुपाद जी ने बोला मारो काटो, ऐसा नहीं, ये तो है ही है। प्रभुपाद जी बताए कि देखो वास्तव विचार ये है, ये आत्मा का जो धर्म है, ये जो आत्मा का, आत्मा का ऊपर अन्याय करना, आत्मा को भक्ति का रास्ता में जाने से रोकना, जैसे हिरण्यकशिपु हिंसा कर रहे, हिरण्यकशिपु जो है, हिरण्यकशिपु अभी प्रहलाद महाराज को, आत्मो ये जो हिरण्यकशिपु को भक्ति करने में रोकता है। भागवत में भी ये आता है ना, जो जीवात्मा का जो निश्चित मौत है,
शरीर का मत नहीं। ये मौत से जो नहीं रोकता है, ये कभी गुरुर न सस्यात, सज्जनों न सस्यात, पिता न सस्यात, सज्जननी न सस्यात, दैवम न तत्सात, पतिम न सस्यात, नामोचेत जौ समपेत मृत्युम। ये शरीर का साथ जुड़ा हुआ वचन नहीं है। जीवात्मा का जो स्वाभाविक गति है, ये जो भक्ति, ये भक्ति का रास्ते में जाने से अमृत मिलता है, और इससे जो रोकता है ये तो गुरु, तो गुरु नहीं, शुक्राचार्य जो वास्तविक गुरु नहीं, ये अर्थकरी विद्वा जड़, ये जो मेटेरियल विद्या है, मेटेरियल जड़ गुरु है, जो जड़ जगत का जो स्वार्थ है ये दिखा रहा है, तो ये वास्तव गुरु नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज उसका वचन को टाल दिए, प्रहलाद महाराज को गुरु माना। वास्तविक गुरु प्रहलाद महाराज है, वास्तविक गुरु प्रहलाद महाराज है, आत्मतत्व का गुरु। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा का जो स्वाभाविक जो भक्ति वृत्ति, ये भक्ति का रास्ते में जाने से रोकना, ये सबसे बड़ा हिंसा है, जीव हिंसा। गोष्ठी भजन में रहो तो एक आदमी अच्छा भजन करे तो उसका ऊपर रोक टोक है, टोकता है उसका ऊपर, मारता है। हम तो ये तक भी जानता है, मेरा साथ मेरा श्रील भक्ति वाला तित्त गोस्वामी महाराज का शिष्य है, पंजाब का है, बहुत अच्छा लड़का, अच्छा घराने का, श्रील पुरी गोस्वामी, पुरी महाराज जी वृंदावन मठ में रहते थे। ये बोले महाराज इसको थोड़ा सिखाओ अनुवाद फनुवाद, धीरे धीरे हम दोपहर को अपना सेवा खत्म करके आके मठ में बैठ के उसको सिखाते, बहुत अच्छा लड़का है। अब वो जो पूछार में गया उसको मारना शुरू कर दी, क्योंकि उसको जानकारी मेरा सत के रह से रह के सीखा है, शास्त्रों का विचार जानता है, ऊर्जा शास्त्रों का विचार जान, बोलना उसको मारना शुरू कर दिया। अरे क्यों, उन्होंने क्या है, उसका कैरेक्टर खराब है कि क्या खराब है, हरि कथा बोल रहा है तो उसको मारने का क्या है। हरि कथा अगर आए तो उसमें स्वाभाविक प्रतिष्ठा आएगा, इसके लिए तो उसको पिटाई किया जाए तो ठीक नहीं है, तो जीवे ये तो ठीक नहीं है, ऐसा ही विचार है, दुनिया का विचार ऐसा है। तो अगर गोष्ठी भजन में रह के एक दूसरे का हिंसा करे, वास्तव भक्ति करने ना दे, अरे इट इज वन काइंड ऑफ नाइस अरेंजमेंट, सुंदर व्यवस्था हो पाया होटल जैसा, आ तुम भी खाओ हम भी खाए, तुम भी आए आराम करो, वीडियो देखो मोबाइल पे, कुछ भी करो रात का टाइम में, कुछ भी कर लो, अरे बस थोड़ा सेवा कर दो, अरे उल्लू का पट्टा सेवा क्या चीज है, अरे हमारा सेवा तो करता है, अरे क्या सेवा है, क्या सेवा है, सेवा है छागल, सेवा तो करता है महाराज क्या, अरे सेवा करता है, ये सेवा हुआ, अरे पूरा एकदम डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवीयता का एकदम अपक्षय है। हमने खुद देखा, सुबह घड़ा है मैं कीर्तन करता है स्टेज में जाके, रात को क्या कर रहा है, हरी राम राम, हाय भगवान, बोलने जाए तुम्हारे मारने आएगा, हमार मरने जा जो इच्छा कर। इसको देखने का जुमा है गुरु विष्णु के ऊपर, और वही अगर अंधा बन के बैठा है वो तो क्या करे, खुद ही फंसा हुआ माया में, वो प्रवचन देके क्या करे, और दूसरा सब आदमी मरेगा, बचाने वाला कोई नहीं है, पैसा देने वाला बहुत कुछ है, तुम पैसा नहीं दोगे तो दुनिया में बहुत आदमी है पैसा देने वाला, लेकिन ये तत्व ज्ञान देने वाला कोई नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा कर भी तुम्हारा सत्यानाश हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल विचार बुद्धि खो बैठा है। न जायते मृयते व कदाचित, नायम भूत्वा भविता बानव हुई हो, अजो नित्य सत्सत
शाश्वत वयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीर। इसका बाद भगवान अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि अर्जुन को देखो वेदा विनाशीनम, वेदा विनाशीनम नित्यम ज ज एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थो कं घातयति हंतिकम। वेदा अविनाशीनम नित्यम ज एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थो कं घातयति हंतिकम। जो आत्मा अविनाशी ये जानकारी को प्राप्त किए अज अव्यय नित्य ऐसा जानकारी प्राप्त किए दिव्य ज्ञान, हे पार्थो ये पुरुष कभी किसी को हत्या कर सकता है? हत्या करवाता है किसी से? हत्या करता है किसी को ना? क्योंकि संभव ही नहीं, कैसे हत्या करे? हत्या किसको करे, क्यों करे, कैसे करे, किससे कैसे करवाए, संभव नहीं। ऐसा विचार है, बिना शून्य अपक्षय शून्य है ये जानकारी होने का बाद ये आत्मवस्तु के लिए शरीर तो नाश होना ही है, तो आत्मवस्तु के लिए सोचना ये नादानों का काम है, ये अज्ञानी का काम है। इसीलिए तत्वज्ञान धर्म विवेक ये दोनों का धीरे धीरे साइड बाय साइड चर्चा किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को काट के किसी का मांस खा ले, ये खा ले, ये पाप, ये नहीं, ऐसा बताया नहीं। अगर कोई ऐसा गलत तो मिल महाराज आत्मवस्तु तो नहीं थे हमारे के खाओ, ना 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 ना, ये इसी में ऐसा समझना ठीक नहीं है। किसी का शरीर को नाश करके हम खा ले, वो अपना अपना कर्मफल के अनुसार चले, शरीर को त्यागे और दूसरा जन्म में अपना कर्मफल के अनुसार जन्म ले और फिर क्रियाकर्म करे, वो अपना चक्कर में है। लेकिन बीच में से हम किसी को काट के किसी को मार दिया, खून कर दिया, मार दिया, खा लिया, ना 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 ना, ये विचार नहीं है बिल्कुल। अत्यांतिक स्वेच्छाचारी जो है सब कोई को अपना अपना कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए हम क्या ठेका तो नहीं लिया, सब जा रहे सारे जीव अपना अपना कर्म फल को भोग रहा है। बासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपुराणि तथा शरीरानि विहायो जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। भगवान ने बताया कि देखो बासांस जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीरानि विहायो जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। बासांसी मतलब अपना कपड़ा, सारे जितना सारे कपड़ा आदि जीर्ण हो गया, खराब हो गया, इसको फेंकना पड़े और नया कपड़ को लेना पड़े, ये तो स्वाभाविक है। बासांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो अपराणि, दूसरा कपड़ को लेते हैं, नया कपड़ा लिया। भगवान श्री कृष्ण बताए कि देखो यथा शरीरानि विहाय जीर्ण, ऐसा ही है, ऐसा ही विचार है। अगर शरीर जन्म होने का बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, कैशोर लीला किया, जौवन लीला किया, मौत का गोदी में ढल गया, उसका बाद फिर ये जीर्ण शरीर, जीर्ण शीर्ण शरीर जो है
ये छोड़ के संग जाति नवानी देही समग्र रूपे दूसरा एक शरीर को चल देते, सूक्ष्म शरीर लेके दूसरा एक शरीर लेके पुनः पैदा हो जाते। सूक्ष्म शरीर जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर जो है, ये कारण शरीर दूसरा योनि में जाने के लिए कारण है, इसलिए कारण शरीर है। इसलिए कारण शरीर है कि यही एक चीज है, कारण है जिसके लिए आपको एक जनी से दूसरा जनी को जाना पड़े, भटकना पड़े, यही कारण है। इसीलिए भगवान पूरा एकदम सुंदर विचार बनाए कि बासांसी जीर्णानी यथा विहायु नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा ऐसा ही तथा शरीरानी विहायु जीर्णानी संजाति नवानी दे देही, मतलब ये आत्मा शरीर का अंदर जो बैठा हुआ दे, ये सूक्ष्म शरीर। तो महाराज कैसे चलता है सूक्ष्म शरीर? जब शरीर को छोड़ता है जीवात्मा, शरीर छोड़ने का बाद आत्मा कहाँ जाता है? बहुत गहरा विचार है आत्मा का गति। जो आत्मा ऊपर ऊपर जाने का विचार बना लिया, भजन किया, ऐसा ही भजन जिस भजन के कारण भूर भुव स्व महो यनो तपो सत्यो लोक तक जा सकता है, और सत्यलोक में जाके भी रुके और वहां ब्रह्मा का साथ उसका महाप्रलय में देखा जाएगा जो हो। और जो जीवात्मा भजन करते करते ऐसा स्थिति को प्राप्त किए कि अपना शरीर छूटने का बाद ही उसका सिद्धि, मतलब शरीर छोड़ के भूर भुव स्व महाजनो यहाँ किसी भी जगह जाना नहीं है, डायरेक्ट एकदम उसका हो गया। और जो धीरे धीरे तरक्की, इसको बोले ग्रेजुअल प्रमोशन एंड प्रोसीज्योर, धीरे धीरे तरक्की होते होते किसी का इच्छा है, जैसे गोपू कुमार दिखा इधर नहीं अच्छा नहीं लगा, उधर चलो उधर चलो, धीरे धीरे अपना कर्म फल अच्छा है, धीरे धीरे ऊपर गया। तो साक्षात मुक्ति, डायरेक्ट मुक्ति और क्रम मुक्ति जीव को सही बात संदर्भ ने बताए। और ये जो जीवात्मा है जो बंधन दशा में है, भजन भजन का कोई बात ही नहीं, ये सब बद्ध जीवे जीव जो है, बद्ध जीव अपना सोरी छूटने का बाद न जाने कहां भटकता है। बड़ा आत्मा का गति गहरा गंभीर है बहुत। यह आत्मा निकल गया बारिश का साथ किसी भूमि में गया, और अनाज ये गेहूं चाल सब्जी किसी का अंदर घुस, अब उसको कोई खाए, उसको बीज पैदा हो, और बीज के द्वारा दूसरा एक ऐसा करते करते समय आएगा जिस समय हम ये सब चर्चा दिखाएंगे। गहरा विचार है ये आत्मा, आत्मा वस्तु कहाँ कहाँ जाता है, उसके बाद ये किसी भी हालत से दूसरा जोनी में जो घुसता है कैसे घुसता है। आज सूक्ष्म शरीर आत्मा का साथ कैसे चलता है, इसका जवाब ये है, जैसे कि एक बगीचे में ढेर सारे फूल लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर गुलाब जुई सब फूल, और फूलों का महक जो है हवा का झोंका दिया, उसका साथ मेरा नासा पे आया, हमको पता चला ये बगीचे है कि इसे और उसमें फूल है बहुत सुंदर। जैसे फूलों का महक वायु के द्वारा संचालित होके मेरा नासा पे आया,
समझ गया हम। ऐसे ही जब आत्मा वस्तु आत्मा जब शरीर के निकाल के जाता है, इसके साथ कारण शरीर भी उसको पीछा नहीं छोड़ते किसी भी हालत से पीछे। जैसे महक है फूलों का, इट्स लाइक स्मेल, जीवात्मा का पीछे दौड़ता है, पीछा नहीं छोड़ता सूक्ष्म, क्योंकि आत्मा का तो अभी तो आत्मा का अभी जो स्थिति है इसमें जुड़ा हुआ है, अभी अनुभव नहीं आए। या हम भगवान का सेवक है जीवे स्वरूप कृष्ण, ये अनुभव नहीं हो पाया, इसलिए कारण शरीर तभी तक रहेगा जब तक ये तत्व ज्ञान को प्राप्ति नहीं करे, तब तक रहेगा, इससे छुटकारा है नहीं, ये भागादौड़ी करते रहेगा पीछे पीछे। जहां भी जाओ ये जोनी में ये जो कारण शरीर है ये पीछा शरीर पीछा छोड़ने वाला नहीं। ये जाके जिस जनी में जीवात्मा घुस जाए और उसी जनी में ये जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर, ये भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और जाके शरीर पकड़ने का बाद फिर कारण शरीर उसका अंदर आश्रय ले। कारण शरीर का आश्रय तो बाहर नहीं है, ऐसे फूलों का महकमक भी जाए लेकिन इसके बेसहारा हो जाएगा, कामयाब नहीं पाएगा। इसलिए ये जो सूक्ष्म शरीर है जब जीवात्मा दूसरा एक शरीर को पकड़े और जाके ये इसको सहारा ले सकता, क्योंकि बिना ये जड़ शरीर सूक्ष्म शरीर का कोई बेसहारा है। ऐसे तो हवा का मापिक फूलों का महक मापिक दौड़ा और दौड़ के बस घुसा, वो जोनी में घुस गया बस, जब शरीर पकड़े तो शरीर के साथ ये भी आ गया, और ये अपना खेल खेल में है, पहले का संस्कार का माफिक ये अभी खिलाड़ी है, खेल दिखा रहा है। जीवात्मा का पता नहीं कि हमारा नित्य हमको भूत, चैतन्य चरितामृत में सुंदर उदाहरण दिया, चैतन्य चरितामृत का उदाहरण एकदम अनोखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताए, पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न है मायाबद्ध जीवेर है से भाव उदय। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न है, जैसे पिशाची किसी को पकड़ने से इसका जो मति है बुद्धि है विचार आच्छादित हो या हो पाता, इसके बाद पिशाची अपना अपना जो मतलब है वो हासिल करता है। कोई प्रेतात्मा पिशाची किसी शरीर में आश्रय लेने का पहले ये विचार बनाता है कि इसका चेतना का विकास कहाँ तक है, इसका जो चेतना का जो विकास है ये कहाँ तक है, कि मैं इस शरीर में घुसूं और इसको आच्छादन नहीं कर सकूं तो होगा नहीं, तब तो मैं कामयाबी नहीं मिलेगी। तो प्रेतात्मा पिशाची का यही काम, पहला काम जो इसका अंदर में कितना चेतना का विकास है, संस्कार कितना अच्छा है कि बुरा है, इसका जो एटिकेसी है वैष्णव शौचाचार कितना तक है। अगर कुछ नहीं है तो बहुत बहुत इजी है, इसको जल्दी पकड़ ले, राशि भी हल्का है और पकड़ना इजी है बहुत, क्योंकि इसका कुछ नहीं है, आचरण नहीं है, एटिकेसी नहीं है, कुछ नहीं है, पकड़ना इजी है। और चेतना का आचरण नहीं है मतलब चेतना का विकास नहीं, एक ही बात है, आचरण नहीं है इसका मतलब क्या, आचरण का मतलब क्या है, आचरण का मतलब आचार जो करता है आचरण, तो आचार क्या, आचार है सदाचार, सदाचार का माने क्या है, जो नित्य रहने वाला आचार, जो आचरण हम करें हमारा अंदर में सच्चाई है उसका साथ टैली करता है। अगर हमारा आचरण हमारा सच्चाई
का साथ टैली नहीं करता है तो झूठा आचरण हो गया, ये आचरण। तो आचार जो है, सदाचार अगर कम है, सदाचार कम है मतलब आचरण कम है, आचरण कम है मतलब चेतना कम है, चेतना कम है मतलब इसका चेतना का विकास कमती है, उसका अंदर में प्रेतात्मा पिशाची घुस सकता है, घुस जा घुस के पहला ही काम है कि उसका जो चेतना है, चेतना को आच्छादित करो। एग्जैक्टली ये उदाहरण चैतन्य ज्योति ज्योति, इसका जो चेतना है, चेतना को पूरा आच्छादित कर दो करके, हम अभी ये शरीर को लेकर, जड़ शरीर को लेकर खेलना शुरू कर दिए। समझा मेरा बात? अभी पेतात्मा शरीर में घुस गया सूक्ष्म रूप में, घुसने के बाद ये शरीर का जो, इसका जो चेतना है, चेतना कम, चेतना का विकास उतना नहीं हो पाई, इसको आच्छादित करके अपना खेला शुरू कर दिया। अभी ये पेतात्मा ये शरीर लेकर खेल रहा है, इसको ही बोलता है पिशाची पाइले यथा मति छन्न है। यही एक ही बात बोल कृष्णदास कविराज गोस्वामी बात यही बात को कह रहे हैं, पिशाची पाइले यथा मति छन्न है। जैसे पिशाची पकड़ने से अपना स्वाभाविक जो वृत्ति है, चेतना है, उसको विकास हो नहीं पाता। मायाबद्ध जीवेर है से भावुद है, पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न है, मायाबद्ध जीवेर है से भावुद है, मायाबद्ध जीवों के लिए यही स्वभाव उदय होते। इसीलिए इसका क्रियाक्रम जो है, बद्ध जीवों का जो क्रियाक्रम है, भूतों का माफी, कभी दारू खाने में गया, कभी प्रॉस क्वार्टर में गया, कभी पैसा का धंधा में इधर दौड़ा, किसी का साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया, लड़की भाई ये सब कर रहा है, भूतों का माफी। पिशाची पाइले यथा मतिच्छन्न है, मायाबद्ध जीवेर है से भाव उदय, मायाबद्ध जीवों का जो भाव जो है, ये सब एक ही, पिशाची पाने से जैसे होता है ऐसा स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। स्वाभाविक वृत्ति है सदाचार को पालन करना, भगवान का भक्ति करना, ये स्वाभाविक काम है, आत्मा का नेचुरल इंस्टिंक्ट, आत्मा का वृत्ति। अभी ये सब बोलने का बाद भगवान श्री कृष्ण अभी कह रहे हैं कि देखो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति अपो, न शोषयति मार्दो। तरह तरह का युक्ति दे रहे हैं ठाकुर जी, डिफरेंट एंगल से, दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से। नैनम माने न एनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, ये आत्मवस्तु को अस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जाए। न एनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, इसको अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जाए। न एनम दहति पावक, ये आत्मवस्तु को आग में जलाना संभव नहीं है। नैनम दहति पावक, इसको पावक मतलब आग जला नहीं सकता। नौचैतम नौचैनम क्लेदयन्ति अपो, वायु इसको, मैं अपो मतलब पानी, पानी इसको भिगा नहीं सकता। नौचैनम क्लेदयन्ति अपो, पानी इसको भिगा नहीं सकता। न शोषित मारुतः, वायु इसको सूखा नहीं कर सकता, ड्राई नहीं कर सकता। अब आत्मवस्तु क्या चीज है, अभी सोचो विचार कर ले। तो आत्मवस्तु कैसा है, ये अस्त्र शस्त्र के द्वारा कटा नहीं, कुछ नहीं है। यहां तक कि उदाहरण देखे हो आप, जब एक ब्राह्मण
अपना लड़का जन्म हो के होने के साथ साथ ही मारा जाता है द्वारिका धाम में, द्वारिका में ये ब्राह्मण राजधानी में राजसभा में आकर बोला देखो ये कैसा है, इसका राज अभी चल रहा है, आधार्मिक है कि क्या है। अधार्मिक है क्या है? जन्म होने के बाद ही हमारा लड़का मारा जाता है, ये कैसा बात है? ये राज राजन्यों का इलाज लोगों का भी इसका पाप का नतीजा मेरे को भोगना पड़ता है। जन्म के साथ है सारे लड़का, जब भी मर जन्म लेता मरता है। शिकायत किया अर्जुन ने, उधार मौजूद थे। अर्जुन बोला हमारा जुमा है अभी, अरे तुम क्या करोगे जब प्रद्युन्यो धनी नाम बरहा, वो लोग कुछ कर नहीं सकते, प्रद्युन्न अनुरुद्ध सब। अरे हम प्रद्युन्न नहीं है, हम अनुरुद्ध, हम हमारा नाम अर्जुन है, मेरा गांडीव मेरा अस्त्र है। अच्छा तो हम है आपका, कोई चिंता मत करो, जाओ जब लड़का जन्म होने का समय है बच्चा हमको बुला लेना, ठीक है। बच्चा पैदा होने का समय अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन जाके पहलदारी किया, वहाँ पूरा मौजूद है, जाके पहला काम किया, देखो आत्म वस्तु को बाहर नहीं जाने देंगे बोल के ऐसा अपना सर तीर को चलाए कि तीर का पंजीरा पिंजरा बनाया जिसमें ये हवा भी नहीं चल सकता, ऐसा करके बना दिया जब कोई आत्मा निकालने का कोई चांस ही नहीं, करके बैठा हुआ है। चलो आने दो, कहाँ जाता है मैं देखूं, मैं देखे। लेकिन एक ही बात हुआ, आत्मा आत्मा को रोका नहीं जाए। जब भी बच्चा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बच्चा सॉरी छोड़ दिया, आत्मा वस्तु निकल गया, अर्जुन रोक नहीं पाए, बड़ा गुस्से में आके ब्राह्मण गाली दिया, ये क्लीब है बदमा है, रोक नहीं पाया, बड़ा बड़ा बात करता है। अर्जुन का ये कहना था कि ये बच्चा को हम बचा नहीं पाए तो हम आंख में छलंग लगाएंगे, शरीर को समाप्त कर देंगे। बाद में तो आप जानते ही होंगे भगवान श्री कृष्ण मरने के लिए आग रचाया और कृष्ण ने रोक लिया, बोले चलो हम दिखा दे कहाँ आत्मा है, बल्कि लोकालक पर्वत छोड़कर उड़ के चला के रथ को चला के महाकालपुर पहुंचे, भूमा पुरुष का जगह है, बहुत अंधेरा पार करके भूमा पुरुष का पास गया। भूमा पुरुष बड़ा प्रसन्न होके वंदना किया, ठाकुर जी आपका चरण का दर्शन करने के लिए मैंने ही ऐसा किया, भगवान ने देखा देखो तुमने तो बहुत सोच लिया, आत्मा कहाँ गया कहाँ गया, आत्मा का गति गंभीर है, देखो आत्मा कहाँ गया। भूमा पुरुष ने बताया कि हम ले लेके आया आपका चरण दर्शन के लिए। ऐसा करके विचार करके बताया भगवान, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोषयति मारुतः, ऐसा करके विचार करके बताया। इसके बाद बताए अच्छेद अयम अद्याह्य अयम अक्लेद अशस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थानु रचलो अयम सनातनः। अच्छेद छेदन करने वाला वस्तु नहीं है, अच्छेद अयम अद्याह्य इसको जलाने वाला वस्तु नहीं है, जलने वाला वस्तु नहीं, न अद्याह्य अयम अक्लेद अशस्य पानी के द्वारा भीगने वाला भिगाने वाला वस्तु नहीं है, भीगने वाला वस्तु नहीं, अशस्य वायु के द्वारा शोषने शुष्क होने वाला वस्तु नहीं है, ये नित्य वस्तु है, ये नित्य वस्तु है।
नित्य सर्वगत हो, ये सर्वगत है, सर्वगत माने सर्वत्र गमन करके भी स्थानु स्थिर भापन अचल परिवर्तन रहित सर्वगत सर्वगमन सर्वगमन सर्वत्र गमन करने वाले स्थानु स्थिर भावापन्न अचल परिवर्तन रहित सनातन वस्तु है ये जीवात्मा जो है अदाह्य अच्छेद अदाह्य अक्लेद अशस्य ये आत्म वस्तु है ये नित्य है सर्वगतो स्थानु अचल असनातन तमाम ये सब प्रॉपर्टी को बताए गुणावली अव्यक्त अयम अचिंत अयम अविकार्य अयम उच्यते ये अव्यक्त है इसका गति जो है अव्यक्त गति आत्मा का गति अव्यक्त है गंभीर है किसी को पता नहीं चले इसीलिए अव्यक्त अचिंत मतलब ये सोच समझ के बहुत बुद्धि लगाओ नायम आत्मा प्रवचन निरभ्यो न मेधया न बहुम बहु न सुते न अचिंत वस्तु है चिंता करके इसका कोई समाधान नहीं है और विकार रहित विकार भी नहीं होने वाला अगर आपने ये सोच लिया तो शोक किस बात की है अर्जुन किसी ने अगर ये बात को सोच लिया समझ लिया तो इसका लिए शोक जरूरी है नहीं अच्छेदो अयमद्वाज्य अयम क्लेदो अशस्य एवच नित्य स्थानु नित्य सर्वगत स्थानु रचलो अयम सनातना अव्यक्तो अयम अचिंत अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनम नानु सचेतुम अर्हसि ये सारे जानकारी प्राप्त होने का बाद ये आत्म वस्तु के लिए शोक प्रकाश करना उचित न अर्हसि योग्य नहीं ये शोक के योग्य नहीं है अनुशोचना करने का योग्य नहीं है ये वस्तु ऐसा करके भगवान धीरे धीरे आत्मवस्तु का विचार करके दिखाया जीवात्मा का जैसा गुणावली है ये पहले पहले श्लोकों में जीवात्मा का जितना सारे गुणावली कहते आए हैं इन सभी श्लोकों में पुनरुल्लेख विचार करके पुनः दिखाया आत्मा ऐसा ऐसा है पहले भी बताया लेकिन यह एक साथ अभी भगवान विचार करके बताया कि देखो ऐसा ऐसा है तो इस शोक किस बात की है आपका जो शोक है ये किस बात की है शोक शोक तो उचित नहीं अथो चैनम नित्य यातम नित्यम व मनसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम सचितुम अर्हसि नैनम सचितुम अर्हसि अगर आपने हमारा विचार को टाल दिया दूसरा विचार आपने बना लिया कि अथो चैनम च एनम नित्यम जात अगर आप ये भी सोच लिया कि आत्मा नया जन्म लेता है नित्य यातम नित्यम व मनसे मृतम और मरता भी है ये अगर आप सोच लिया क्या मैं ऐसा युक्ति जो है शास्त्र का विचार नहीं माने तो अगर ये विचार आपने प्रस्तुत किया अथो चैनम नित्य यातम अगर नित्य नवायमान जन्म लेता है आत्मा नित्यम व मन से मृतम और मारा भी जाता है अगर ये भी विचार है आपका तथापि त्वम महाबाहो नैनम सचितम अर्हसि तो भी आपको शोक करना उचित नहीं होगी क्योंकि आप तो खुद ही बोल रहे हैं
नित्य जन्म लेता है नित्य मरता है ऐसा अगर विचार आपने प्रस्तुत कर दिया, तथापि स्टिल तथापि त्वम महाबाहो हे महाबाहो नैनम सचितुम अर्हसि, इसका लिए सोचना करना उचित नहीं होगी, सोचना करना उचित नहीं क्योंकि तो आप खुद ही बोल दिया जन्म लेता है मरता है तो आप जान लिया, आप अगर सोच लिया ठीक है मरेगा, जन्म लिया तो मरेगा, मरेगा तो जन्म लेगा, तो फिर भी आपको सुख करने का कोई जरूरी है नहीं। ऐसा करके बताया, यदि मनुष्य को जीव रूप में नित्य एवं देव ऐसा है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मितस्य च, अगर आपका ही विचार पकड़ लिया गया तो जातस्य ही जन्म से ही जन्म लिया तो मौत स्वाभाविक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो निश्चित मौत तो है ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मितस्य च, मौत हुआ तो जन्म होगा ये तो निश्चित है, जातस्य ही ध्रुवो जन्म लिया तो मरेगा ही जरूर, आ मरेगा तो फिर जन्म ले, आपका ही विचार के अनुसार यही तो बनता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मितस्य च, जब आपने ये वस्तु अगर ये विचार प्रस्तुत कर दिया तो तस्मात अपरिहार्य अर्थे, जो इनेविटेबल चीज है, तस्माद अपरिहार्य अर्थे न त्वम सच तुम्हारसी, इसके लिए जो इनेविटेबल है वो ना ही है, कोई रोक नहीं सकता, इसके लिए रोने धोने से क्या फायदा है, कोई तो फायदा तो नहीं है रोने धोने से। आत्मवस्तु का गति गंभीर है, काल भी बताया था, नायम आत्मा प्रवचन लोभ नो मेधयन बोहुमन सूतेन जम एव ऐश वृणित तेन लभ्यो, आत्मवस्तु जिसको अपनाता है वही एकमात्र आत्मवस्तु का बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, बाकी जितना भी लेक्चर सुनो जितना भी पाठ कर कुछ भी करो नायम आत्मा प्रवचन लोभ न मेधय न बोहुमन, किसी भी हालत से ही आत्म वस्तु का बारे में वास्तव जानकारी नहीं मिलने वाला। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्व का परिवेदन, किसके लिए सोच रहे हो, क्योंकि आत्मा आत्मा का गति विचार करो, मर गया तो आत्मा कहाँ गया पता ही नहीं, अव्यक्तीनि भूतानि, कभी कभी अव्यक्त हो जाता है आत्मा, कभी कभी आवाज शरीर पकड़ के आता है तो दिखाई पड़ता है, शरीर छोड़ दिया तो दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, मतलब सूरज चला गया उदित हुआ फिर उदित हुआ, उदय होने के बाद कुछ समय तो रहा फिर चला गया, तो दोनों का बीच में स्थिति काल है, स्थिति काल है सूरज का उदय अस्त दोनों तो है ही है, ये दोनों का बीच में जो स्थिति काल है आसमान की, शरीर भी ऐसा ही है, देखो जब आत्मा शरीर पकड़ के आता है तो उसको समझ में आता है ये आत्मा है, और फिर सॉरी छोड़ दिया तो कहां गया पता नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्येव तत्र का परिवेदन, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में दिखाई पड़ता है, आगे पीछे तो किसी को पता नहीं चलता कहां है आत्मा, अव्यक्तो निधनान्येव तत्व का परिवेदन, जो बीच में एक बार पल भर के लिए दिखाई पड़ा फिर गायब है, इसके लिए क्या सोच
सोचने वाला बात क्या है, सोचना नहीं चाहिए ऐसा करके। अलग अलग सा नाम, अलग अलग सा शरीर का गठन, अलग अलग पिता माता संस्कार सब लेके अभी जन्म होता है। ऐसा करके इस अनित्य वस्तु के लिए तुमको सोचना जरूरी नहीं, ये उचित नहीं है। सोचने से कोई फायदा तो है नहीं। मिट्टी से अलग अलग घट बना लिया और घट का अंदर में ये जो पराशर बोल ऋषि कह रहे हैं कि मोही घटत्व प्राप्त है, मिट्टी जो है घट का रूप में। अब घट घट भी धुल के चूर्ण विचूर्ण हो गया तो घट कहाँ गया, दिखाई नहीं पड़ता। जब मिट्टी मिट्टी तो मिट्टी है, जब मिट्टी कोई सेप आकार को ग्रहण किया तो इसको घट नाम है। मिट्टी का नाम तो घट नहीं है, मिट्टी मिट्टी जो एक शेप एंड डिजाइन लिया आकार आकृति, तो ये तो घट का रूप में प्रकट हुए, इसका नाम घट पड़ गया। और जब फिर धूलिशात हो जाए तो इसका बाद मिट्टी से मिल जाए। शरीर भी ऐसा है, पंचभूतों का पंचभूतों का चीजों को ले, पंचभूतों का जब खितियापत्तो जमरुद बम सारे के सारे लेकर जब निर्माण हो रहा है मातृगर्भ में शरीर का निर्माण, और उसके बाद ये निर्माण होने का बाद जन्म लेता जीवात्मा, जन्म लेने के बाद कुछ समय तक रहा और फिर शरीर छोड़ दिया तो पंचभूत तो पंचभूत में चला गया। खेती मिट्टी का अंश जो मिट्टी में गया, पानी का अंश जो पानी में गया, तेज तत्व जो है तेज में गया, मरुत वायु का जो तेज जो अंश है भाई में गया, बोम आकाश का अंश आकाश में मिल गया, ऐसा ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या, आश्चर्यवत चैनम मनः श्रृणोति श्रुत्वापि एनम वेदो न चैव कश्चित। ये आत्मवस्तु है, हैरान करने वाला वस्तु, आश्चर्य की वस्तु है। कोई कोई आदमी विस्मय से अभिभूत होकर कह देते हैं कि क्या आत्मवस्तु क्या है, किसी को पता नहीं। आश्चर्य बात श्रवण करता है, ये आश्चर्य है, बोलता भी है, आश्चर्य चीज है, बोलता भी है, सुनता भी है, और इतना सुनने के बाद भी इतना समझने के बाद भी अपना डायरेक्ट रियलाइजेशन में उतारता नहीं, विचार में उतारता नहीं, वास्तव विचार में रियलाइजेशन अनुभव सहित जो विचार इसमें उतारता नहीं, इतना सुनने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी हैरान होके रह जाता है कि क्या वस्तु है ये। आश्चर्यवत पश्यति चैनम, देखते रह जाता है, ये आश्चर्य वस्तु है। कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति, ये आश्चर्य है, ऐसा बोलता है दूसरे आदमी तथैव चान्यम। ये सोचता है कि आत्मवस्तु सचमुच गंभीर है। आज सुनने के बाद इतना प्रवचन सुनने के बाद आत्मवस्तु का रियलाइजेशन नहीं हो पाता। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत चैन्य मनः श्रृणोति श्रुत्वापि एनम वेदो न चैव कश्चित। इतना सुनने के बाद इतना सुनने के बाद इतना सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता है क्या चीज़ है आत्मवस्तु।
इतना गंभीर चीज है। कठोपनिषद में आता है महाराज, श्रवणायापी बहुवीर जो न लभ्यो श्रृणंतोपि बहुवो जंग्न विदुहु आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। ये श्लोक आता है, श्रवणायापी बहुवीर यो न लभ्यो श्रृणंतोपि बहुवो जंग्न विदुहु आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा। जीवात्मा तत्व ज्ञान ऐसे ही आश्चर्य बोल के नाना किस्म का तरह तरह का भ्रम युक्त मतवाद प्रचार होते रहता है। ये मानव मेधा को विपन्न किया, पराजय किया, क्योंकि मेधा के द्वारा समझने वाला चीज नहीं है। मानव मेधा को विपन्न कर दिया ये आत्मा वस्तु, और ऐसा गलत विचार के कारण तरह तरह का आत्मवस्तु का गलत विचार उत्थापित हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग विचार वाले सारे अनर्थ उत्पादन किए जगत में, बड़ा भारी विपत्ति आए। उत्पत धर्म, ये धर्म भागवत धर्म नहीं है, उत्पटांग धर्म, जैसे जैसे आपका नारद पंचरात्र में दिया गया उधर लिखा हुआ है, जे श्रुति स्थिति पुराण आदि, श्रुति स्थिति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना ओहिकांत के हरेर भक्ति उत्पाती वकल्पति, उत्पाती है। आत्मवस्तु का जानकारी किसी को नहीं है, आत्मतत्वविद पुरुष जगत में सुदुर्लभ है, अगर है भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आप अभिमान के द्वारा अभिभूत हो। अगर है आत्मतत्वविद जगत में बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता है, लेकिन हमको पता नहीं चल। सो श्रवणायापि बहुवीर जो न लभ्यो श्रृणंतोपि बहुवो जंग्न विदुहु आश्चर्य कुशल अश्वलभ्य आश्चर्य अश्वत्ता कुशलनु श्रेष्ठ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ऐसा ही है, आत्म वस्तु का विचार बहुत गंभीर है, इसमें खूब विचार करके आगे बढ़ना है। देही नित्यम अवद्य अयम देही सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नम तम सचितुम अर्हसि। देहो पकड़ के जो जीवात्मा सब आए हुए हैं, देहधारी जीव जीवात्मा सकल, ये सब अनित्य शरीर है लेकिन फिर भी नित्य है। ये सारे देही जो है, देहो नहीं, देह तो शरीर है, देही मतलब देह का अंदर जो है ये नित्य है। अबद्ध कैन नेवर बी किल्ड, मारा नहीं जा सकता, इसको खून करना संभव नहीं। अबद्ध रूप में विराजित है, सुतरांग इसीलिए मैं कहता हूं कि भूतगणों के लिए, सारे जीवों के लिए, इतना सारे ये भूतो ऐसा जितना सारे भूतोग्राम है इन सभी के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं होगी। देही नित्यो, देही नित्यम अवद्य अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि कूतानि नातम सचितुम अर्हसि, इसका लिए तुम्हारा शोक करना बिल्कुल उचित नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं मान रहे हो, अगर फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो ये विचार है, स्वधर्मम उपिचावेक्षो, आप अभी तक कृष्ण आत्मतत्व का विचार बनाते 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 यहां तक आया, अचानक आत्मतत्व का विचार छोड़ के डायरेक्ट जंप लगाया कहां, भले यह स्वाभाविक जो नियम है जो बोलता है
बाकी उठा के रखा है, बाद में चर्चा होगी। ये आत्म तत्व का अभी तक जितना चर्चा हुआ हो पाया, उसका बाद कृष्ण तुरंत उस प्लेटफॉर्म से इधर आ गया। कौन सी माना अभी बोल रहा है कि देखो सधर्मम वो पिछावेक्षो। अच्छा वो सब बात अगर नहीं भी माना, फिर भी अपना सधर्म जो है अतः वर्णाश्रम धर्म का जो विभाग इसमें आ गया। वो सब विचार फिर उठाएंगे बाद में, अभी रख दिया विचार, गहरा विचार। सधर्मम अपिचावेक्षो, अगर ये सब ना मानो फिर भी अपना सधर्म का विचार बनाओ, देखो फिर भी तुम्हारा विचलित होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई विषय नहीं है। सधर्मम अपिचावेक्षो, अगर ये सब छोड़ भी दिया सधर्मों भी अगर देखो, ये सब विचार तो है और फिर भी ये सब धर्म ये सब विचार आपने सुन लिया, फिर भी सधर्मम अपिचावेक्षो, अगर सधर्म के बारे में और सधर्म का वो दृष्टि डालो तो इसमें भी आपका न विकम्पितुम अरसी, तब भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है। सधर्मम उपिचावेक्षो न विकम्पितुम अरहसी, धर्माद ही युद्धात श्रेयो अन्यत क्षत्रियो से नभिद, क्योंकि आप जानते हो क्षत्रियो धर्म का ये नियम है कि मर के उठेंगे फिर भी युद्ध से भागेंगे नहीं। धर्माद ही युद्धात, विशेष करके ये तो धर्म युद्ध है, ये तुम्हारा जो सामने पहुंचा हुआ है ठाकुर भगवान के इच्छा के अनुसार, ये धर्म युद्ध है। सधर्मम अपि इच्छावेक, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन भी करना उचित है, तो ये विचार करके भी तुमको सोचना करना कोई उच्च विचलित होना तो कोई कारण ही विचलित होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सधर्मम अपि इच्छावेक्षो न विकम्पितुम अरहसी, सोचना करना उचित नहीं। अधर्माद ही युद्धात श्रेय, धर्म युद्धे से धर्म युद्धे युद्धो से बढ़कर धर्माद ही युद्धात, ये धर्म युद्धों को छोड़कर अर्थात ये धर्म युद्धों के ऊपर कुछ भी नहीं है। देखो क्षत्रियस धर्माद ही युद्धात श्रेय अन्य, तुम्हारा मंगल का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अगर युद्ध का बारे में सोचो, युद्ध तो छोड़ देना ही उचित ही नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध है। धर्माद ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रिय सनमिद्धते, क्षत्रियों के लिए युद्ध तो है ही है, क्षत्रियों का काम ही है धर्म युद्ध करना। धर्मात युद्ध न्याय युद्ध, ये तो अन्याय नहीं है, ये न्याय युद्ध। इससे बढ़कर अन्यत श्रेय दूसरा मंगल क्या है दिखाओ, बड़ा बढ़िया मंगल है क्योंकि धर्म युद्ध कर रहे हो, अन्य मंगल कर कार्यो नहीं है। धर्मात ही युद्धात श्रेय अन्यत क्षत्रियोस्तु न विद्यते, क्षत्रियों के लिए इससे बढ़कर कुछ है, कुछ तो है नहीं। अभी विचार में आता है कि मानो कि किसने वर्णाश्रम धर्म की फाइनल जजमेंट दे दिया। साधारण आदमी आम आदमी ये सोचे कि देखो ऐसा ऐसा विचार बनाया, अंतिम में तो ठाकुर जी यही प्लेटफॉर्म पे आ गया, सधर्मों को देखो वर्ण एवं आश्रम धर्मों को पालन करना ये भी उचित है, ऐसा लगेगा। ये क्षत्रियो का जो धर्म है पहले ही बताया था, क्षत्रियो का लिए जो धर्म है, वैश्यों का लिए धर्म है, ब्राह्मण के लिए वर्ण है, सारे हमने बताया। ये मंगलमय युद्ध है क्षत्रिय युद्ध, ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में प्राण त्यागना बहुत मंगलदायक है, मत सोचो आप।
इसमें मंगल ही मंगल आपका। आत्म तत्व के विचार के द्वारा अर्जुन का शोक और मोह उचित नहीं है, ये धीरे धीरे बहुत सारे युक्त शास्त्रीय विचार के द्वारा भगवान प्रमाण कर दिए। और अंतिम में भगवान अभी जो सधर्म पालन परान्मुख, सधर्मों को पालन करना उचित है, इसका युक्ति देते देते अभी यहां तक आए। क्षत्रियों के लिए युद्ध करना ही उचित है, युद्ध में प्राण अगर जाए फिर भी मंगल है कि स्वर्ग को प्राप्त होगा, युद्ध प्राणवध होने से। ऐसा करके धर्म युद्ध के बारे में तर्क उठाए ठाकुर जी। और बाद में जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखीण क्षत्रिया पार्थो लभंते युद्ध में दृश्यम। हे पार्थो, प्रीथा देवी बुआ का नाम उठाए, थोड़ा अपना हृदय के जो प्रेम प्रीति है उसको प्रकाश करने के लिए जदृच्छ है माने भगवान का इच्छा का अनुसार। ये तो जोर जबरदस्ती युद्ध नहीं है, पांच पांडवों ने जोर जबरदस्ती युद्ध करने का कोशिश नहीं की, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को दूत बनकर बनाकर भेजा, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। तो जदृच्छा उच्चोपमान्यम स्वर्गदारम अपावृतम, अगर ये युद्ध उपस्थित हुआ जदृच्छा, ये तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ये होनहार का खेल है, हाँ होना ही था, इसलिए वह जदृच्छा क्रमे उपस्थित आ स्वर्गदाम दा स्वर्गदार स्वरूप के युद्ध में शरीर छोड़ने से स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिया पार्थो लभंते युद्ध, ऐसा मापिक जो युद्ध है ये भी बड़ा प्राप्त होना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा मापिक जो युद्ध है, वास्तव युद्ध जो है, धर्म युद्ध, इसको भी प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं है, तो मान जाओ आप। हे पार्थ, अहो भाग्य से ऐसा मापिक युद्ध को प्राप्त करता है, विशेष करके जो खत्री है उसका लिए तो बहुत मंगलदायक। अविद्यायाम अंतर्वर्तमान स्वयं धीरः पंडितो मन्नमान दंगम्मान परिशंति मूढ़ा अंधन्नैव नियमान यथांगा। अविद्यायाम अंतर्वर्तमान स्वयं धीरः पंडितो मन्नमान दंगम्मान परिशंति मूढ़ा अंधेन्नैव नियमन यथांधः। वांछकल्पतरुवस्य के बासिंदे भवेच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।